अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं मैंडरिन चिकन। जिसके लिए चिकन बोटी ली है आधा किलो, एक चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल करें, आधा चाय का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच लेमन जूस, लेमन जूस ना हो आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं, एक अदद अंडा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट बाद इसमें एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट शामिल करें, दो खाने का चम्मच मैदा शामिल करें, दो खाने के चम्मच कॉर्न फ्लोर शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें और 5 मिनट बाद चिकन बोटियों को फ्राई करें। कढ़ाई में तेल डालें और सारी चिकन की बोटियां फ्राई कर लें। दरमियानी आंच पर फ्राई करें ताकि चिकन अच्छी तरह नरम हो जाए। एक साइड से प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब तमाम बोटियों का साइड चेंज करेंगे और इसे फ्राई करें। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे फ्राई करने में। सारी चिकन की बोटियों को तेल से निकाल लेंगे। अब सॉस बनाएं। कढ़ाई में 4 खाने के चम्मच तेल शामिल करें, फिर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करें। मिक्स करके इसमें 1 कप चकोर कटी प्याज, 1 अदद शिमला मिर्च उसे भी चकोर काट लें शामिल करें। तेज़ आंच पर 1 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल करें, फ्राई करें। अब 2 अदद टमाटर शामिल करें, तेज़ आंच पर 2 मिनट फ्राई करें। आंच अच्छी खासी तेज़ होनी चाहिए। अब इसमें 4 खाने के चम्मच गार्लिक सॉस शामिल करें, 2 खाने के चम्मच ओएस्टर सॉस शामिल करें, 4 खाने के चम्मच बारबेक्यू सॉस शामिल करें, 4 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें। आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करें, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल शामिल करें, 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट सॉस को पकाएं। सॉस को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब नमक सेट करें। मैंने आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 कप पाइन एप्पल शामिल करें। एक मिनट पकाएं। फिर इसमें फ्राई चिकन शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन
चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। मैड्रिन चिकन तैयार है। मैंने मैक्रोनी के साथ, पास्ता के साथ सर्व किए। आप उबले चावल के साथ, स्पेगेटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग भी बनाएं, फिर एंजॉय करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।